दोस्तों वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग भाई ट्रिनिटी ब्लॉग चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तो भाई आ गए एक ब्रांड न्यू बहुत अच्छी डिवाइस के साथ जो कि अल्ट्रा स्टेबलाइज है, बेहतरीन कैमरा के साथ आ रही है और एक वेल नोन कंपनी के साथ कोलैब किया हुआ है इस फोन ने। तो भाई मैं बात करूं इस फोन के बारे में और इस फोन की आपको मजीद डिटेल बताऊं, उससे पहले आप मिलिए हसीब भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक है, मजे में। तो भाई आज जो हम फोन आपके लिए लेके आए वो है वीवो का फोन और वीवो की एक स्पेशल सीरीज है जो कि काफी टाइम से आप देखते आ रहे हैं जो कि वी सीरीज में आती है भाई। और जो है उनको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो आप गैस करें कि जो है वीवो की वी सीरीज के अंदर एक ऑरा लाइट जो है ना वो काफी मशहूर है। तो आप गैस करें कि भाई ये जो है कौन सा फोन है और कौन सा मॉडल है। जब तक इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। तो भाई मैं बात करूं अगर इस फोन की तो ये फोन है वीवो का V40 भाई, जो कि बेहतरीन डिजाइन और न्यूली शेप के साथ आपको मिल जाता है। ऑरा लाइट जो है ना वी की सीरीज में आपको सारी सीरीज में देखने को मिलेगी, V20 में, V30 में और अब V40 के अंदर भी आप जो है ऑरा लाइट देखते हैं। इसके अंदर एक बेहतरीन चीज ये आपको मिल जाती है कि वीवो ने ज़ाइस के साथ कोलैब करके ये फोन बनाया और ज़ाइस की आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है बैक पे और भाई फोन के बॉक्स के ऊपर भी। भाई अगर ज़ाइस का मैं बताऊं तो ज़ाइस एक कंपनी है जो कैमरा लेंसेज और सारी चीजों के ऊपर काम करती है, जैसे कि आप वन प्लस के फोन में देखते हैं लाइका की लेंस आती है, इस तरीके से वीवो के साथ जो है इस बार ज़ाइस जो है कोलैब कर चुका है भाई और भाई बेहतरीन कैमरा दे चुका है हमें वीवो। इस बार वीवो की अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो एक यूनिक और नई डिजाइन देखने को आपको मिल जाती है बैक साइड से और भाई कर्व के अंदर ये फोन 3D कर्व के अंदर ये फोन मिल जाता है। और मैं कहूंगा यार डिजाइन बहुत अच्छी है मगर थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस आपको इस फोन के ना डिजाइन की मिलेगी ओप्पो रेनो 11 से। अगर आप ये देखेंगे ना तो बैक जो है ओप्पो रेनो 11 से बहुत बहुत कम इंस्पायर्ड हुआ है। तो मगर ये कि लगता थोड़ा बहुत ऐसा ही है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा फुल कॉपी है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीवो की ये यूनिक और न्यू डिजाइन है बट थोड़ा बहुत आपको है थोड़ी 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 फील देता है ओप्पो रेनो 11 जैसा बैक्स है। 3D कर्व के अंदर ये फोन मिल जाता है, प्लास्टिक की जो है आपको इसकी फ्रेम्स मिल जाती हैं। और भाई मजीद बात करूँ इस फोन के कैमराज की तो भाई अब आते हैं कैमरा के ऊपर, क्योंकि कैमरा ही इसके मेन है। ज़ाइस के साथ जो है वीवो ने कोलैब किया। इस फोन के अंदर आपको दो कैमराज मिल जाते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल ज़ाइस का कैमरा मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है भाई इस फोन पे आपको। दोनों कैमरा बहुत बेहतरीन है, बहुत ही आला है भाई, पिक्सल्स भी अच्छे हैं भाई। और मैं आपको कहूंगा अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है ज़ाइस का भाई, जो कि ग्रुप सेल्फी कैमरा है भाई और भाई ऑटो फोकस के साथ आपको जो है इसका फ्रंट कैमरा मिल जाता है। मजीद बात करूँ इस फोन की तो स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 5500 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और लाइट एक बेहतरीन सी मिल जाती है। और लाइट का मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता, तो और लाइट जो है कलर चेंज करती है, कूल से वार्म करती है और भाई और लाइट का एक बेहतरीन गेम है इस फोन के अंदर। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ब्लॉग शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो और लाइट आपको काफी हेल्प करेगी वीवो की, जो कि रिंग लाइट शेप के अंदर दे दी गई है। और मजीद बात करूँ इस फोन की तो इस फोन में आपको IP68 और IP69 की जो है वाटर एंड डस्ट रेटिंग मिल जाती है। और भाई अगर बात करूं वीडियो रिकॉर्डिंग के इस फोन के ऊपर तो भाई 4K पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 30 FPS पे, 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 720 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई। इसके अंदर आपको सिनेमेटिक पोर्ट्रेट भी मिल जाते हैं क्योंकि भाई ये ज़ाइस के साथ कोलैब किया हुआ है, तो भाई बेहतरीन चीज आपको इसके कैमरे के अंदर मिलेगी। इसके कैमरे के फीचर्स भी बेहतरीन है भाई, आपको जो है कैमरे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, इसके पिक्चर्स और जो है वीडियोज भी अटैच है। और एक और चीज बताता चलूँ, फोन काफी स्टेबलाइज है भाई, इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि आपको कैमरे का माइक का स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। तो भाई वीवो इस बार बेहतरीन चीज लेके आया है जो कि काफी काफी जो है तारीफ के काबिल है और प्राइस में भी काफी मुझे लगता है कि बेहतरीन होने वाला है। तो बकाया जो इसके मजीद फीचर है CPU GPU RAM वगैरह हुआ हसीब भाई को कहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताएं और हसीब भाई इसके प्राइस के बारे में हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। अब जैसा कि आकिब भाई ने कुछ ऐसे फीचर बताए, मैं आपको इस फोन के हवाले से कुछ ऐसे बड़े फीचर बता देता हूँ। जैसे कि मेन डिस्प्ले आता है 6.78 का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1260x2800 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिल जाती है, 452 PPI मिल जाता है, 4500 की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। अगर हम बात करें चिपसेट की तो भाई Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 मिल जाता है। इसके अंदर 8 कोर्टेक्स मिलते हैं, पहला मिलता है 2.63 का और उसके बाद आपको मिलते हैं 3 जो आपको 2.4 देते हैं।
हैं और 4 1.8 देते हैं और ये आपको 12 GB 256 GB में आपको स्टोरेज में मिल जाता है। अगर हम 22 की बॉडी की बात करें तो भाई पूरी प्लास्टिक की बॉडी में आपको मिल जाता है। फोन का लुक वाइज बड़ा अच्छा है, मतलब फोन का जो लुक है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अभी आपने देखा कि V40 है तो V40e भी इंशाल्लाह खुद देर बाद में इंशाल्लाह इसकी वीडियो ले आएंगे। V30e में भी भाई ओरा लाइट लाया थे, उसमें भी ओरा लाइट है, कुछ इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है, कर्व LCD में बना दिया और क्या है भाई स्लिम बॉडी कर दी है। और जो V30e देखा था तो हमने इसमें ब्रॉड बॉडी थी, ये थोड़ी बहुत स्लिम बॉडी है, लाइट वेटेड है। ZEISS कंपनी जिसे इन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है। बाकी है कि भाई इसका GPU की बात करते हैं तो एंड्रॉइड का 720 गेमिंग के लिहाज से कोई इतना बम्पर परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता। बाकी है कि भाई अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे के लिए मेन ये भाई ये अट्रैक्शन बनाया हुआ है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है जो अच्छे तरीके से सिनेमैटिक वीडियोस बनाता है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो भाई लगभग 1,25,000 से 1,30,000 के लगभग में मिल जाता है। अगर आप फोन लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.clicktoband.com पे आकर ले सकते हैं। बाकी है कि भाई वीवो ने थोड़ी बहुत डिजाइन में चेंजेस लाया है। वीवो में ये है कि भाई थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि वीवो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके बेहतर बनाता है। बाकी स्पेक्स में ये है कि थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। ओप्पो रिनो 11 देखा था 5G में, टेक्नो केमन 30 प्रो देखा था हमने, तो भाई इन्होंने क्या है भाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंजेस किए। बाकी क्या है भाई टेक्नो और अगर हम बात करें ओप्पो की तो भाई इन्होंने थोड़ी बहुत क्या है अपनी डिजाइन में चेंजेस तो नहीं करते। वीवो की जो क्वालिटी है इनकी डिजाइन के हिसाब से मानी जाती है। वीवो अपने आप को डिजाइन से अच्छे तरीके से मतलब कहलाता है, तो वीवो की जो चीज है बड़े अच्छे तरीके से क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है। बाकी भाई यही कहना चाहूंगा वीवो लेना चाहते हैं तो भाई आप ले सकते हैं जरूर। बाकी आगे भाई मोबाइल के वाले साहब क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों जैसे कि सी भाई ने इस फोन के बारे में आपको गाइड किया, सीपीयू जीपीयू रैम रोम वगैरह के बारे में गाइड किया, भाई मैं आपको एक और बात ये बताता चलू कि इसके अंदर अल्ट्रा जो है वीसी कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है कि अगर आप गेमिंग करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपको काफी सपोर्ट करेगा, फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देगा। बट अभी थोड़ा बहुत हम नोटिस ये कर रहे हैं कि ऑब्वियस है यार वीडियो रिकॉर्ड होती है और फोन थोड़ा बहुत हीट होता है, बट इतना हीट नहीं हो रहा क्योंकि इसके साथ जो है अल्ट्रा लार्ज वीसी कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वो आपको सपोर्ट कर देता है। एक और चीज आपको अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले का फिंगर सेंसर देखने को मिल जाता है और 1,25,000 से 1,30,000 के दरमियान जैसे कैसी भाई ने आपको बोला ये फोन मिल जाता है तो काफी बेहतरीन है मेरे हिसाब से, बेहतरीन और बेहतर इसलिए कहूंगा क्योंकि यार इसमें आपको कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, गेमिंग भी आप कर सकते हो, बट ये है कि और जो है वीवो का फोन एटी अप्रूव्ड भी होता है। और अगर आप इससे अच्छे ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो भाई आप वीवो का X100 है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है लॉन्च किया गया, पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आया, वो काफी अच्छा उस पर जा सकते हो। और वन प्लस के फोन काफी अच्छे उन पर जा सकते हो, तो भाई बेहतरीन यही होगा कि आप जो है इस रेंज के अंदर इस कैमराज के साथ ये फोन आपको अच्छे मिल जाते हैं। और आशिक भाई मेरे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं तो आशिक भाई प्लीज क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। यार आकिब भाई जैसे आपने बोला ना कि इसके मुद्दे में होगा जो है आपने 3 फोन बताए, मैं आपको और भी पाकिस्तानी जो मोबाइल है जिसपे आप इस पर फोकस कर सकते हैं इसके बदले में, रियलमी का GT6 अभी आने वाला है 1.5 लाख के लगभग में, भाई वो फोन अच्छा है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, तो भी इंशाल्लाह कुछ आपको टाइम बाद उसकी हम रिव्यू भी लेंगे। इसके बाद हम जाते हैं टेक्नो के केमन 30 प्रो, वो भी मतलब के मयार नास तो नहीं है, मतलब के मयार का ये फोन तो नहीं है वीवो की अगर बात करते हैं। वीवो की जो मेन जो कंसिडरेशन होती है इसकी डिजाइन वाइज और कैमरा वाइज ये दो चीजों का ये फोकस करता है। गेमिंग के लिहाज से कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कहते हैं कि गेमिंग के लिए ब्लास्टर है मगर वो गेमिंग इतने बड़ी से बड़ी नहीं खेल सकते, ज्यादा हीट हो जाता है, कूलिंग सिस्टम भी कोई इतना अच्छा मायर का नहीं है। बाकी है कि ये मेन कैमरे पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप इससे बदले में जाते हैं गेमिंग पे गेमिंग के लिहाज से भी कैमरे के लिहाज से भी जाना है तो आप रियलमी GT6 अभी लॉन्च होने वाला 1.5 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के लगभग में वो फोन आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर कैमरे के लिहाज से अगर अपने आपको बेहतर बनाना चाहते हो तो वीवो पे कंसिडरेशन है। अगर इससे अच्छे वीवो के ऊपर टॉप पे जाना चाहते हैं तो X100 अभी जो इंटरनेशनली मार्केट में आया हुआ है उस पर आप जा सकते हैं, 2 लाख के लगभग में आपको PTA प्रूफ के साथ मिल जाता है, तो वो भी अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे पास ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भाई आसिफ भाई ने आपको ना काफी सजेशन दे दिया। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस फोन के साथ साथ आपको मिलता है क्या, तो एक अदर इसका बॉक्स, एक अदर फोन, एक अदर 80 वॉट की चार्जर, एक केबल और आपको एक कवर मिल जाता है, कुछ बुक गाइड्स मिल जाती है। और भाई और सबसे बेहतरीन फोन के ऊपर आप जाना चाहते हैं, मतलब ये भी फोन अच्छे हैं इन प्राइजेस के अंदर जैसे आसिफ भाई ने कहा, मगर आप और बेहतर से बेहतर पे जाना चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनल X100 पे जाए। आसिफ भाई ने कोई रियलमी का फोन बताया आपको, आप उस पर जा सकते हैं जो आने वाला है। वन प्लस के फोन काफी अच्छे होते हैं भाई, तो अगर आपको और फोन के बारे में जानना है या आपको कोई इसकी कंपेयर वीडियो चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कहूंगा ये कि अगर आपको ये फोन बाय करना है www.clicktobrands.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है वहां पर भाई। और जो है अगर आपने इंस्टॉलमेंट से बाय करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 03211213574 पे। और दूसरा ये कहूंगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा इस वीडियो को और हमें सपोर्ट कीजिए 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।